गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल बकचोद बिल्ली। गाइस आज बकचोद बिल्ली में हम लाइव कर रहे हैं सब कुछ, मतलब कि जो कुछ हो रहा है उसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं, टोटली एकदम लाइव। चलिए आज आप लोगों को मज़ा दिलाते हैं रोड पे चलती हुई मस्तियों का। ये भाई साहब ट्रैक्टर वाला की स्पीड देखो, मेरी जान ऐसे छुपा कर बैठी है जैसे कि इसको कोई ढूंढ लेगा, सर्च कर लेगा, पकड़ लेगा, पकड़ भी लेगा तो कुछ चाव खा लेगा। दिया सब इनके साथ है, आदमियों के साथ तो बाबा जी का ठिल्लू है सिर्फ। चलो भाई खोलो भाजी भी बत्ती, बहुत टाइम हो गया था। जो बत्ती खुलने के बाद ही भागेगा ये उसने मल्लिका। हम लोग ही कहोगे भाई चोर तुम नहीं छोड़ोगे यार भाई, ये तो कुछ नहीं है। ये देखो इसको सबसे ज़्यादा जल्दी है, कहाँ जाओगे इतनी जल्दी। हाँ हाँ माइक भी लगा रखा भाई चोर ने। गाने चल रहे हैं भाई, क्या मस्त वाले, पता नहीं बात कर रहा है या गाने बजा के घूम रहा है। अब बहुत सड़ी के ड्राइव नहीं करोगे तो मैं चो ट्रैफिक जाम करके चलोगे, लेकिन मैं चो गाने की बात चोरी यार। लाल बत्तियों ने तो मैं चो जिंदगी की ठंड कर रखी है दिल्ली वाले, कसम से जिंदगी ठंड बा फिर भी खबर बा। अब किसका आ रहा है फोन यार बीच में से, बजने तो वह किसका होगा क्या। खुली दवाइयाँ अश्लील आदमी, आदमी खुली दवाइयाँ बेचते हो तुम। तो आप लोगों को भी साथ ले रखा है हमने, फुल इंटरटेनमेंट के साथ चलेंगे यार। सलाम ये तो मैं कहाँ लगाएंगे, ये समझ नहीं आ रही बात मुझे, है ना। है कितने लगाओगे वीर जी, है ये देख है बहन चो दीना ने देख गाड़ी बीच में खड़ी कर रखी है बहन चो, बाप का बाप है। दिल्ली वालों को अक्ल नहीं है भाई कसम से, बहन चो बड़े स्मार्ट बनते हैं अपने आप को, साले हैं घंटे के नहीं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा कलेश ही भाई मिस पार्किंग का, सबसे ज़्यादा कलेश है वेंचर मिस पार्किंग का, गलत तरीके से पार्क कर जाना और वेंचर ड्रामेबाजी इनकी। ओए होए होए भाई लड़ाई भाई, दिल्ली वालों में लड़ाई तो ऐसी मसी हुई है खून हुए, वो वेंचर मोमोज की चटनी खा खा के लड़ाई वाले तीखे हो गए एकदम। वेंचर मोमोज की चटनी की तरह इनका दिमाग चलता है, वेंचर लड़ने में सबसे आगे। ओ भाई ये देखो बैग के ऊपर भाई चश्मा चश्मा सब लगा रखा है। ये बढ़िया है भाई, बैग के ऊपर चश्मा भी है और चश्मा भी है, सब कुछ है जो एक ही जगह से सारी कुर्ती मिल रही है इनको। भाई हेलमेट पीछे रखने के लिए नहीं है, पहनने के लिए होता है, हेलमेट पहन के घूर चलना चाहिए ताकि पीछे रख के। ओ भाई नंबर की नहीं, ओ ये देखो भाई ये देखो, ओ भाई जैकेट है कसम से भाई, मजा आ गया जैकेट देख के। वैचर इतने तो मिथुन धागे ऊपर वो नहीं लगे होते ना गोल्डन कलर जितने इसकी जैकेट में लगे हुए हैं। वैचर भाई दिल खुश कर गया, लौंडा हमारा भाई कुछ भी कहो कुछ हो या ना हो लौंडे ने दिल खुश कर दिया। चल
अरे यार आगे भी बढ़े बैठ फिर वही पे लौटे दिल लगाए रखेंगे क्या ये भाई बेचती जा रहा अपना भाई बिना हेलमेट के देखो अपने आप को शहनशाह समझते हुए बेचती भाई यार आगे लेकिन हेलमेट नहीं है इनके पास। ये हमारे MCD के कार्यकर्ता हैं भाई सब काम कर रहे हैं ये पेड़ काटते हैं मतलब जो घास वगैरह होती है ना इस मशीन से उसकी कटाई होती है तो मजे की बात है इसमें ब्लेड नहीं होता सिर्फ प्लास्टिक की रस्सी बंधी होती है जिस जो इतनी तेज घूमती है और उसकी वजह से है ना घास वास सब बराबर हो जाती है समतल हो जाती है जो ब्लेड ही नहीं होगा तो धार की जरूरत ही नहीं है तो ये मस्त काम है ये भी भाई साहब MCD के और ये मत के पूछना कि MCD की फुल फॉर्म क्या है मादर चोट डिपार्टमेंट सच में यार भैंस इतना कमाता है फिर भी डिपार्टमेंट रोता रहता है भाई आप मकान खरीदने जाओ मकान बेचने जाओ किराए पे दो कुछ भी करो पहले MCD को फीस दो कुत्ता पालो MCD को फीस दो एंशियत गधा पालो MCD को फीस दो गाय पालो MCD को फीस दो फिर भी रोता रहेगा डिपार्टमेंट की भैंस हमारे पास पैसे नहीं है हमारे पास पैसे नहीं है हमारे पास पैसे पता नहीं क्या भाई भाई एक मकान का मतलब जानते हो भाई रोनी में एवरेज मकान दिल्ली के रोहिणी में एक एवरेज मकान जो है 25 लाख का मिलता है वो भी एक बेडरूम का सेट कह लो आप 25 लाख के आसपास है यदि आप 25 लाख का 6% लेते हो यानी कि हो गया 1.5 लाख और डेली मैं मानता हूँ कम से कम 200 मकानों की रजिस्ट्री होती है दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के नॉर्थ जोन में 200 मकानों की नॉर्थ जोन भी नहीं सॉरी रोहिणी जोन के अंदर 200 मकानों की रजिस्ट्री डेली आराम से होती है उसके बाद किराएदार का लेना देना हो तो बैंक 100 मकानों की आराम से हो जाता है 100-150 मकान किराएदार तो भाई फिर भी ये बैंक इतना रोते हैं भाई इतना रोते हैं कहने की हद नहीं हाउस टैक्स के बगैर कुछ लेते नहीं है कुछ दे नहीं सकते आप मकान बेच नहीं सकते मकान ले नहीं सकते हैं उसके बावजूद भी इनका ठंडी रोना ख़त्म नहीं होता लो भाई आ गया दिल्ली में जाम ना लगा मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता बहन का लोड़ा इन्होंने बड़ा कलेश कर रखा है यार बहन चल और ये पता है क्या ट्रैफिक होगा एक गाड़ी या एक बस या एक जगह से कहीं से भी एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर फॉल्टी होगी जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम होगा भाई हम तो नहीं निकालेंगे अभी नहीं निकालेंगे थोड़ा ये रुक जाए चलो खाली हो गया चल बड़ा हो गया थोड़ा बाहर निकली चुहिया जाम में मजा नहीं आया यार कुछ भी कहो ट्रैफिक जाम बड़ा गंदा सिस्टम बड़ा खराब है रोड लेने से पहले कहते हैं कि बैंक पार्किंग की समस्या का सोल्यूशन देखो देखो ये देखो एक गाड़ी की वजह से ये एक चूतिया रिक्शा वाला आगे भी है जहाँ एक चूतिया रिक्शा आगे भी है थोड़ा ट्रैफिक हाँ भी है ट्रैफिक तो यार किस लिए भाई इतना ट्रैफिक जाम ओहो सड़क सुधारो कैंपेन चल रहा है यहाँ पर सड़क सुधारो कैंपेन भाई इसलिए ये ट्रैफिक जाम था यहाँ पर भी सड़क का काम हो रहा है निर्माण हो रहा है चलो ये तो ओ भाई ये क्या है ओ भाई ये टेढ़ी क्यों रहती है ओ भाई अरविंद केजरीवाल लटक गया इस पर ओ भाई भाई लटकी बोलिए भाई ओ भाई ये पलट ना जाए कहीं भाई देखियो भाई पलट ना जाए तो भैंसो चलाता देती उसको बहन के लड़को वो भाई टेढ़ी मेढ़ी को भी खा चला देती भैंसो अरे भाई साहब भाई इससे तो दूर रहना अच्छा है भैंसो खाम खाम पलट वलट गई और बहुत सड़ी के देते के देने पड़ जाएंगे तो खैर हमारी ब्रेक तो सॉलिड है लेकिन भैंसो वक्त का भरोसा थोड़ी ना होता यार नहीं लगी क्या कर लूँगा मैं
भाई भाई से आगे पीछे निकल यार बहन चुकी, तो बड़ा क्लेश है भाई साइड से, तो नहीं कर नहीं पाया भाई, पलटेगी तो इसी साइड पलटेगी भाई, ये क्या सीन लग रहा है यार देख तो जरा। ओ भाई ओ मेरी जान, सच में ऐसा लग रहा है बहनचोद अभी केजरीवाल लटका पड़ा इससे भाई साहब। आप देख रहे हैं क्या ऐसे दिखा रहा है बहुत सड़ी के जैसे 32 के 32 इसके टूट गए। चलो भाई अपना तो डेस्टिनेशन आ गया बहनचोद, अपन तो बोले यहाँ पर। चलो भाई अभी हम यहाँ से वापस चलेंगे, तब आप लोगों को दोबारा से मिलेंगे। तो दोस्तों हम फिर से मिल गए हैं, अपना काम कुम करा करके मैं आ गया हूँ। एक्चुअल में मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या थी, मैं यहाँ आया था जहांगीरपुरी, तो दिक्कत ये थी मेरे को कि मैं बचपन मेरा यहीं बीता है, तो आज हालांकि यहाँ से गए हुए मुझे 25 साल हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है डेंटिस्ट की स्पेशली, तो मुझे यहीं आना पड़ता है भाई साहब, जो सेटिस्फेक्शन है ना वो यहीं आकर मिलती है। चलिए एनी हाउ अब हम रोड पे उतर चुके हैं और मस्त मजा लेते हैं, सड़कों का आनंद लेते हैं। तो सड़क पे भी अपना एक आनंद होता है, अपना एक मज़ा होता है, देखने की नज़रिया है, आप देखेंगे नज़रिया अच्छा लगेगा, नहीं देखेंगे वो भी अच्छा लगेगा, ज़िंदगी सबकी खुशहाल हो मज़ेदार हो, चाहे बैठ जो सामने MG का शोरूम हो या DTC की बस हो। ओ भाई वो बस याद आ जाती है यार आंखों में फिर से बैठ जो, क्या भाई आइटम की भाई वो जबरदस्त भाई जबरदस्त। चलिए और अब हम दोनों बसों के बीच में गिर चुके हैं, हमारे इस साइड वैन है, वेट फॉर साइड, अच्छा भाई साहब वेट कर लेंगे जी कोई बात नहीं जी, आप निकलिए वैन। लो जी लाल बत्ती काम नहीं कर रही है यहाँ पर, तो क्लेश है बड़ा ये भी। न्यूज़पेपर बांट रहे हो क्या? अरे रुक जा यार, थम जा यार, हमें भी निकल जाएंगे। प्रॉब्लम पता है क्या थी भैंचोद, मेरी अक्कल दाड़ में कीड़ा लग गया, अब वो भैंचोद इतना दर्द कर रहा मुझे लगा कि ये दर्द का दर्द जो है ना मेरे ऊपर भी है, तो मैंने अपनी बीवी को बोला बैचर वैलेंटाइन डे आ गया है ना, तो ये मुझे लग रहा कीड़ा और कीड़ी का कॉम्बिनेशन चल रहा था, और मैंने वैनचुद कीड़े को काम करवा दिया, तो इसलिए कीड़ी जो है वो तंग कर रही है। तो बड़ी जोर हंसी, कहती वैनचुद कीड़ा कीड़ी कहाँ से सोचते हो तुम यार, मैं कहा ये तो कुछ नहीं जब हम कॉलेज में थे ना वैनचुद, तब तो बता दी क्या क्या सोचते थे भाई, फालतू टाइम होता था मेला वैनचुद, पटांगा सारा कुछ सोचना होता था उसी में, लेकिन बैचों ये भी कम नहीं है यार भाई, ब्रेक मार ले तू भी मार ले बैचों, गांड हमारी फालतू है जो आता है वही बजा जाता है। अभी इसने इंडिकेटर दे दिया भाई, अब तो घूमेगा ये इधर, तो यार अब इधर को बैचों, इन्हें अक्ल नहीं है चलाने की बहुत सड़ी वालों को भाई। यार सबसे बढ़िया गुड न्यूज़ तो ये है कि हमें ट्रैफिक नहीं मिला कहीं खास, ना भाई शाम के टाइम तो गांड बढ़ जाती है भाई, ट्रैफिक ही इतनी दिल्ली में इतना गांड बांटता है ना आपको मैं बताऊँ, सिर्फ जो हम लोगों ने जर्नी की है ना वो 6 किलोमीटर की पहले की थी, और 6 किलोमीटर ही अब हम वापसी जाएंगे, लेकिन इस 6 किलोमीटर में जो गांड मार रही है ना ट्रैफिक की, ये वैनचो नहीं जाने देगा, इस भोसड़ी वाले ने काला चश्मा पहन रखा और गांड हमारी मार रहा है। ये निकल फटाफट निकल, ऐसे लगा चलाने वाली मैडम है, लेकिन ये और तो आदमी छोड़ा नहीं भाई। अच्छा जा 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 जा, चलो आज आप लोगों को एक बढ़िया सी जगह से लेके, बिल्कुल खाली बिल्कुल खाली, पूरा छोड़ी भी ना दिखेंगे कोई बात, डर लगता है उनको भी वहाँ चोटते हुए जाए, छोड़ी कोई ना पकड़ ले जाए। अरे यार मेरी यार से मान छोटी वाली,
चलो देखता हूँ कोई अच्छा सेब वाला मिल गया ना वैन, तो इसके लिए थोड़े से सेब लेता चलता हूँ। चला यार क्या रिक्शा की तरह चलाते हैं ना ये लोग, इस चूतिए ने मुन्ना भाई जैसे पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया। हमें भी ये टर्न काटना है लेकिन हम ऐसे नहीं काटेंगे बेवकूफ पूरे, प्रॉपर अपना तरीके से जाएंगे, इस सड़क से जाएंगे, सड़क से काटेंगे। ओ माय गॉड भाई 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 भाई, मट्टी है लेकिन है भाई। चलो भाई रोहिणी जेल में आपका स्वागत है, जिन्होंने बदमाशी कर रखी है वो भी तैयार हो जाओ, जिन्होंने बदमाशी ना कर रखी वो भी तैयार हो जाओ भाई। जिन्होंने बदमाशी ना कर रखी उनका तो वो भाई गुरखा थी, वो भाई पीछे गुरखा खड़ी थी भाई, मेरी फेवरेट गाड़ी हो गई जब से मैं पहाड़ों में घूम के आया हूँ। हाँ भाई गुरखा है भाई, 4x4x4 भाई गुरखा ही है भाई, भाई वो कमांडो की लाइट है भाई। गुरखा में बेबी ऑन बोर्ड का भाई ये क्या तरीका है, मतलब गुरखा लेकर के तुम बेबी ऑन बोर्ड लगा दो, ना तुम भगाओ ना पीछे वाला भगाए, ये क्या तरीका हुआ भाई। ना भाई गुरखा का मतलब है कि बेबी नहीं है यार, अंदर बेबी का पापा है चंद और पापा के चार दोस्त है जो साथ में, तीन दोस्त भाई, फोर है ना ये, फोर सीटर है खाली। तो भाई भाई मैं चंद फैन हो गया गुरखा का भाई, भाई क्या कुत्ते की तरह चलती है भाई, पर अब क्या कुत्ते की तरह चलती है। तो सेफ देखे मैं चलने वाला नहीं चाहिए, इतना कीड़ा लगा पड़ा बहन से, तो कह रहा आ जाओ ले जाओ जब औसड़ी के तेरे को तो मैं फ्री में भी ला लूँ। कैसे दिया है दिखाइयो, एक सौ साठ का तो महंगा दे रहा भाई, छोटा से वह 120 ऊपर का नहीं है ये। कैसे दे रहा है ये लाइट, पता है क्यों चल रही है हमारे ये बगल में, ये पानी की, ये अभी अभी दिल्ली एमसीडी की गाड़ी जो है सफाई करके गई है, यहाँ से कोने कोने में होती है, सड़क के बीच में करने की जरूरत नहीं होती उनको। सात छः पाँच चार तीन दो एक, हाँ अंकल जी हमारी ग्रीन होने के बाद भाग रहे हो, और अच्छा स्कूल चले जा रहे बकलोली नहीं करी है, एक्चुअल में ड्राइविंग कर रहे थे, रैश ड्राइविंग थोड़ी सी, रैश क्या यार, इट्स अ नॉर्मल ड्राइविंग इन दिल्ली।
भाई अगर इससे हल्की चलाओगे ना गांड मार जाएंगे पीछे गाड़ी वाले। भाई पता नहीं कितने तो रोज एक्सीडेंट करे हैं दिल्ली में चोरे, पता भी ना चले है तुम्हें भाई कहाँ चले गए। और बहन चोर हर कोई हराम जाता है, जो जिंदा वो मौसड़ी का अपने आप को शहनशाह ही समझता है। भाई यह तो है ही लूट बजारी चोर बजारी बहन जो यहाँ का क्या है, कोई ठोक ठाक गया पीछे तुम मर गए तो बहुत सड़ी के उसने तो बहन चोर पुलिस वाले को देख के घर में बैठना है। बहन चोर रात घर में सोनी है उसने, वो थोड़ी ना सोएगा जीवन में। भाई तुम्हारे बच्चे मरेंगे या भूखे बहन चोर सारी जिंदगी, पेट भरेगा पुलिस वाले का बहन चोर, मरना मर सुन जाओगे। भाई थोड़ा सा ध्यान रख के चलाओ यार, गंदगी चलाना जरूरी है भाई। पता कैसे डलती है बहन चोर को, भगा है भाई ये भाई। हमारी स्कूटी जरूर है लेकिन कभी हम भी सही चला ला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसकी, ऐसी तैसी बुलेट है तो क्या होगा गियर वाली है, मस्त भगाएंगे। मुड़ गया तो ठीक है नहीं तो हम इससे जीत ही जाएंगे। कल जीत का है को हमारी जिंदगी दांड कर रहे हो, देखो भाई जीत गए हम बुलेट वाले से और हम आगे बुलेट से, अब बुलेट वाला पीछे ठहरा हमारे आगे। बस अब हमें राइट क्लिक लेना है, किसको हरा दिया हमने बात खत्म। बात हम लाल बत्ती तोड़ गए चार लोगों के साथ, यही हॉल है बैठ चुके क्या करें, जिंदगी जट बना रखी है लोगों ने। यार पीछे वाले का तो तुम भरोसा ही नहीं रख सकते, बहन चोर ब्रेक ही नहीं मारेगा भाई। बहन चोर यार ऐसे बैठे होंगे दिल्ली के अंदर भाई, जेल में कट्टे पट्टे लेकर ये भाई, गाड़ी के अंदर डंडा ज़्यादातर लोगों के लड़कों की मिलेगा तुम्हें गाड़ी में, बताओ बहन चोर। मतलब आदमी को तो कुछ समझ ही नहीं रखा लोगों ने दिल्ली के अंदर। ये चौखा फिर निकल गया यार आगे, यार गलत बात है यार, हम भी जंप कराए ये भी जंप करके आ गया लाल बत्ती बहन चोर, कोई बात नहीं। वो पीछे रहेंगे देखा बिना हेलमेट के चलने वालों को हम हेलमेट वाले हरा देते हैं वो एंट्री रॉन्ग थी भाई, वहाँ लोगों ने उतरना था, बच्चों ने लोगों ने वहाँ से जाना ही गलत था। ड्राइवर साहब के देखने लाग रहे हो चलिए गाइस अब आप लोगों से मिलेंगे हम बाद में, अब हम यहीं रखते हैं क्योंकि अब हमारा डेस्टिनेशन आ गया, आप लोग हमारा घर ना देख लें, कल को कहीं पुलिस ना भेज दें आप हमारे यहाँ की बैचो एडल्ट कंटेंट बनाते हैं ये। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए बाय बाय।